हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार को व्यक्त करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है। यह खास दिन महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के जश्न के तौर पर हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस साल महिला दिवस की थीम आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट रखी गई है। इस थीम का मतलब है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जेंडर इक्वालिटी पर बात करना। तो आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया भर से कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। सन 1792 में पहली बार किताब के जरिए स्त्री पुरुष समानता व महिलाओं के लिए समान शिक्षा की मांग उठाई गई। यह किताब प्रथम ब्रितानी नारीवादी लेखिका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी थी। पंडिता रामाबाई। 1878 में पंडिता रामाबाई देश की पहली महिला बनी जिन्होंने शास्त्रों पर पुरुषों के अधिकार को चुनौती देने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडित्य की पढ़ाई करके पंडिता पदवी हासिल की। नंबर 3। 1880 में अमेरिका यूरोप में कर्मशील्य टाइपराइटर आने के बाद दफ्तरों में महिलाओं को बतौर टाइपराइटर या पर्सनल असिस्टेंट रखा जाने लगा। उससे पहले दफ्तरों में महिलाएं काम नहीं करती थी। नंबर 4। सावित्री बाई फुले। 1848 में महाराष्ट्र में देश का पहला बालिका विद्यालय खोलने वाली सावित्रीबाई फुले को पहली भारतीय नारीवादी महिला माना जाता है। नंबर 5। ताराबाई शिंदे। 1882 में प्रकाशित किताब स्त्री पुरुष तुलना के जरिए पहली भारतीय नारीवादी लेखिका ताराबाई शिंदे ने प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था को चुनौती दी। नंबर 6। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका में साइकिल का प्रचलन बढ़ गया, जिसके बाद घरों तक सीमित महिलाएं अकेले सार्वजनिक स्थानों पर जाने लगीं। नंबर 7। 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहला महिला दिवस मनाया। नंबर 8। 1910 में जर्मन क्रांतिकारी क्लारा जेटकिन ने 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट वर्किंग वुमेन कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। नंबर 9। 1914 से 1918 के बीच चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों के युद्ध में जाने से ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों में फैक्ट्री, दफ्तरों और कई जगहों में काम करने का अवसर मिला। नंबर 10। 1917 में सोवियत रूस में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, के बाद ये 8 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा। नंबर 11। 1949 में पब्लिश्ड हुई द सेकंड सेक्स किताब ऐसी पहली किताब मानी जाती है जो महिलाओं के स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरणा बन गई। इसे फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी वेवायर ने लिखा है। नंबर 12। 1967 में नारीवादी आंदोलन ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में स्वीकारा। इससे पहले तक इस दिवस को मात्र सामाजिक आंदोलन ही मानते थे। नंबर 13। 1960 से 1980 के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों में 8 मार्च का दिन महिलाओं के जीवन के हर पक्ष में समानता के लिए संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरा। नंबर 14। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को दुनिया भर की कामकाजी महिलाओं के सम्मान में मनाना शुरू कर दिया। नंबर 15। 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घोषणा हुई, जिसके बाद 8 मार्च को महिलाओं के अधिकार और ग्लोबल शांति के यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नंबर 16। 27 देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान के अलावा बुर्किना फासो जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। नंबर 17। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन शोषण की रोकथाम के लिए
विशाखा गाइडलाइंस जारी की। नंबर 18, 2006 में अफ्रीकी महिला तराना बर्क द्वारा शुरू किए गए मीटू आंदोलन को आधुनिक समय का सबसे प्रभावी नारीवादी आंदोलन माना जाता है। नंबर 19, 2018 में मीटू आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई। यहां महिलाओं ने कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से बयां की। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन है, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी वुमेंस डे। सायोनारा एंड बाय।